नमस्ते स्वागत है आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन क्या होता है वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन के माध्यम से कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस का जो सेल्स है उसको बढ़ा सकते हैं इट्स अ वेरी यूनिक एंड यूजफुल वे वर्ड ऑफ माउथ आपने खुद भी यूज़ किया होगा खुद भी आपको पता चला होगा आपने डेफिनेटली इसको, इसको इस्तेमाल भी किया होगा सो वर्ड ऑफ माउथ का मतलब क्या है कि आप किसी और को बोलते हैं फिजिकली बोलते हैं वर्बली बोलते हैं टेक्सचुअली बोलते हैं सो इट्स बेसिकली अ रेफरल काइंड ऑफ अ वर्ड फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी ट्यूशन मतलब फॉर एग्जांपल जब आप स्कूल में थे अगर आप कोई रेफरेंस बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि भाई तूने कौन सा जो टॉपर है उससे पूछते हैं कि भाई आपने कौन सा जो बुक पर, बुक यूज़ किया है या कौन से पब्लिशर बुक यूज़ किया है जिसके माध्यम से आपको पढ़ाई लिखाई में आसानी हुई है तो आपको बता देता है कि आप इस पब्लिशर का बुक खरीदो इस राइटर का बुक खरीदो तो फिर उसी हिसाब से आप जाके बुक परचेज़ कर लेते हो तो वो क्या हो जाता है वो होता है वर्ड ऑफ माउथ उसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने दोस्त को पूछते हैं कि मुझे चाइनीज़ खाना है या इंडियन कुजिन खाना है या फॉर एग्ज़ाम्पल बिरयानी मुझे खाना है तो मुझे कौन से दुकान से जाके परचेज़ करना चाहिए कौन से कौन से रेस्टोरेंट में मुझे जाना चाहिए तो वो आपको बताता है कि आप इस रेस्टोरेंट में जा सकते हो इस uh, प्लेटफॉर्म uh, से आप उसको आप फॉर एग्जांपल ऑर्डर कर सकते हो तो ये क्या हो जाता है वर्ड ऑफ माउथ सो वर्ड ऑफ माउथ इज़ अ वेरी यूजफुल टूल फॉर यू जब भी आप अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हैं स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं आपके पास मार्केटिंग के लिए उतना पैसा नहीं है सेल्स के लिए उतना पैसा नहीं है बजट नहीं है रिसोर्सेस नहीं है इस जगह पे वर्ड ऑफ माउथ इज़ अ वेरी यूजफुल टूल फॉर यू बिकॉज इसके माध्यम से आप क्या कर पाते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट एंड सर्विस होता है उसको आप ईजिली बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाते हैं वर्ड ऑफ माउथ में कन्वर्जन रेशियो आपका बहुत ज़्यादा होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्मल कोई भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं फेसबुक पैक चला रहे हैं यूट्यूब पैक चला रहे हैं वहाँ पे जो सौ लोगों ने देखा सौ लोगों में से हार्डली अगर तीन चार लोग पाँच लोग परचेज करते हैं दैट्स अ वेरी गुड कन्वर्जन रेशियो पर वर्ड ऑफ माउथ में आपका कन्वर्जन रेशियो विल बी अराउंड थर्टी फोर्टी फिफ्टी परसेंट विच इज टेन टाइम्स मोर रिलेटिवली टेन टाइम्स मोर तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आप किसी को पे नहीं करते हो कि भाई ये करो वो करो बट ऑल्सो यू कैन इन्फ्लुएंस द होल थिंग ऑल टुगेदर तो उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन क्वरी है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जैसे आप जानते हैं कि स्टार्टअप इस चैनल पर आपको बिजनेस के बारे में जानने को मिलता है किस तरीके से आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं सारा चीज आपको जानने को मिलता है कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि आप मैं आपके लिए बेहतर तरीके से वीडियोज बना बना के ला सकूँ और इसी के साथ साथ जैसे आप देख पा रहे हैं कि दिस इज ऑल अबाउट नोट टेकिंग यहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में जानने को मिलता है किस तरीके से आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं किस तरीके से बिजनेस को आप फर्दर आगे लेके जा सकते हैं सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग नोट्स यू आर टेकिंग नोट्स और इस ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं ये हमारे मैं इसका लिंक दे दूंगा आप हमारे वेबसाइट में जाके पूरा जो टेक्स्ट है पूरा जो आर्टिकल है वो जाके आप चेक कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा ये टिपिकली आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर ही आपका एंड दिसमेंडिंग आप, आप किसी दोस्त के घर में गए उसने कोई अचार आपको खिलाया उसको वो आप, अचार आपको पसंद आए आपने पूछा कि अचार है ये कंपनी का अचार है फिर आप जाके परचेस करते हैं उसको कंज्यूम करते हैं सो दिस इज हाउ इट वर्क एंड दिस क्रिएट्स अ लॉर्ड ऑफ बिजनेस फॉर यू सो ये क्या हो जाता है दिस इज अ पार्ट ऑफ रेफरल मार्केटिंग रेफरल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप एक दूसरे को आप किसी कंपनी को आप रेफर कर रहे हो अपने दोस्त को रेफर कर रहे हो और वहां पर एफिलियट मार्केटिंग ये सारा चीज आपने डेफिनेटली सुना होगा तो वो रेफरल मार्केटिंग के अंदर ही आता है और ये भी जो है जो मैं बता रहा हूँ ये भी रेफरल मार्केटिंग के अंदर आता है सो रेफरल मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स ऑफ बिजनेस यू कैन यूज टू गेट न्यू कस्टमर्स एंड ऑल्सो टू रिटेन ओल्ड कस्टमर्स सो यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने दोस्त फैमिली को आपका जो बिजनेस होता है आपका जो प्रोडक्ट होता है सर्विस होता है उसको आप उसको रेफर करते हैं एंड बेसिकली वॉट दे आर डूइंग इज दे आर गिविंग देम अप्रूवल और क्रेडिबिलिटी देते हैं आप अपने भाई को ट्रस्ट करते हैं टिपिकली करना चाहिए अगर आप अपने दोस्त को ट्रस्ट करते हैं टिपिकली करना चाहिए तो इसी तरीके से आप रेफल मार्केटिंग के माध्यम से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ ग्रोइंग योर बिजनेस एक तो हो जाता है कि इनिशियल यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि एक यूजर जो है आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है आपके प्रोडक्ट को बेसिकली रेफर करता है दूसरों को तो वो जो पहला कस्टमर होता है इस जगह पे आपको लग रहा होगा कि वो जो रेफर करेगा मेरे प्रोडक्ट को उसको मैं कैसे टारगेट करूं उसको मैं अपनी तरफ कैसे लाऊं यहाँ पे आप उनको अपनी तरफ ला ला सकते हैं अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं किस तरीके से डिस्काउंट दे के उनको ऑफर दे के ये चीज़ आप कर सकते हैं मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि कैसे मैं एक रुपये से दो रुपये बनाऊँगा दस रुपये बनाऊंगा उसी तरीके से कैसे मैं एक कस्टमर से दो कस्टमर बना सकता हूँ एक कस्टमर से दस कस्टमर बना सकता हूँ तो अगर आप देखते हैं कि भाई एक मेरा जो फर्स्ट कस्टमर है उसको मैं अगर ऑफर देता हूँ पर उसको मैं बताता हूँ कि भाई आप मेरे को तीन तीन कस्टमर जो है वो रेफर करो तो वो अगर करके देता तो आप क्या कर रहे हैं एक तीर से तीन निशाना लगा रहे हैं यानी एक कस्टमर से आप तीन कस्टमर बना रहे हैं सो so, ये आप जब भी डिजिटली करते हैं आप डेफिनेटली कर पाएंगे और यहाँ पर आपने डेफिनेटली एफिलेट मार्केटिंग के बारे में सुना होगा तो एफिलेट मार्केटिंग इसके अंदर भी आता है आप इसको एज एफिलियट मार्केटिंग के प्रोसेस में भी ला सकते हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्स अगर आप सेल कर रहे हैं वहाँ पे आपने अपने इनिशियल कस्टमर को बता दिया कि अगर आप मेरे कोर्सेज को सेल करवा सकते हो वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से रेफरल बिजनेस के माध्यम से तो आप बताना इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर्स को आप देखोगे कि अगर आप इस वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करते हैं मैं आपको कोड दे रहा हूँ उससे आपको 20 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा तो यहाँ पे जहाँ पे जाके आप परचेज करते हैं उस कंपनी को पता चलता है कि भाई इससे रेफर होके आ रहे हैं तो उसको भी कमीशन मिलता है आपको भी कुछ डिस्काउंट मिलता है फिर वो भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरीके से आप उनको और भी ज्यादा जो है कस्टमर ला के दे सके सो हु बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द वर्ड ऑफ माउथ यहाँ पे तीनों पार्टी का टिपिकली एडवांटेज होता है एक तो हो गया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर जो वर्ड ऑफ माउथ रेफर कर रहा है दूसरा है बिजनेस ऑब्वियसली आपका बिजनेस तीसरा हो जाता है कि आपका जो नया कस्टमर आ रहा है उसको भी आप थोड़ा सा लोभ देते हैं कि भैया आप इसके थ्रू से अगर आते हैं तो मैं आपको दस टका डिस्काउंट देने वाला हूँ पाँच टका डिस्काउंट देने वाला हूँ और इट्स अ टिपिकली इट्स अ फ्री टूल जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू तो रीच अ वाइडर ऑडियंस जैसे आप समझ पा रहे हैं वैन कस्टमर्स आर हैप्पी एंड यू शुड प्रोसीड इन दिस सिचुएशन इन अ वेरी ऑर्गेनिक मैनर बट आप इसको एज अ मार्केटिंग टेक्निक के हिसाब से भी चला सकते हो जैसे मैंने बताया ये ऑलरेडी काम करता है ठीक है बट उसको आपको प्रमोट करना है उसको आपको ज्यादा मतलब बेसिकली पुश करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो है मेरा कस्टमर कन्वर्ट हो सके और एक फायदा ये हो जाता है कि इनिशियली जब आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए आपको रेपुटेशन चाहिए ब्रांड अवेयरनेस चाहिए तो यहाँ पे आपको ये भी मिलता है कि आपका ब्रांड अवेयरनेस भी होता है और आपका रेपुटेशन भी बिल्डअप होता है बिकॉज ब्रांडिंग ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट फॉर योर बिजनेस आप लॉन्ग टर्म अपने प्रोडक्ट का जो है वैल्यू बढ़ा सकते हैं अपने ब्रांड का वैल्यू बढ़ा सकते हैं आपका ब्रांड का वैल्यूएबल वैल्यू ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल होगा तो फिर आप ज़्यादा से ज्यादा लोगों को सेल कर पाएंगे एक प्रीमियम भी चार्ज कर पाएंगे फॉर एग्जाम्पल आपका एपल हो जाता है तो अगर आप इनिशियली शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट टूल आप सोशल मीडिया में सोशल मीडिया को यूज कीजिए सोशल मीडिया में कंटेंट को इस्तेमाल कीजिए यानी कंटेंट मार्केटिंग के माध्यम से आप कोशिश कीजिए किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जाए यहाँ पे आप यूट्यूब में वीडियो डाल सकते हैं पिंटेस्ट में वीडियो डाल सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम में फोटो वीडियो डाल के आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज कर सकते हैं वहां पर बोल सकते हैं कि अगर आप हमारे रेफरल प्रोग्राम के अंदर आते हैं तो आपको ये फायदा होगा एंड यू हैव टू ट्राई टू क्रिएट अ ग्रेव वाइंड इफेक्ट ग्रेप वाइंड इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी आप वाइन मतलब जो अंगूर अंगूर होता होता है अंगूर का होता है का गुच्छा पे बहुत सारे अंगूर होते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि पर एक अंगूर को इन्फ्लुएंस करके दूसरा अंगूर को इन्फ्लुएंस करना मतलब उस एरिया में उस ग्रेप वाइन के अंदर सारे लोगों को पता चल जाएगा मेरे प्रोडक्ट सर्विस के बारे में यहाँ पे ऐसे कहता है कि, कहते हैं ना कि एक गुच्छे में अगर एक, Uh, आपका जो है आई थिंक अंगूर का ही होता है या मछली का होता है ऑर्डर गॉड बी बोलेगा मतलब यह कि एक ग्रेप पॉइंट इफेक्ट आपको तैयार करना है ताकि उसके फैमिली के अंदर उसके नेटवर्क के अंदर जो जो है वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता चल जाए एक चीज जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा तीनों को यानी जो रेफर करने वाला है उसको देना पड़ेगा जिसको जो रेफर होके आपके पास आ रहा है उसको देना पड़ेगा और उसी के साथ साथ आप भी वैल्यू क्रिएट करेंगे सो मेक श्योर दैट यू आर प्रोवाइडिंग देम विद पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि भाई लूटो लूट

वीडियो देखना चाहते हैं और ये जो चीज है जैसे मैंने बताया कि रेफरल मार्केटिंग या वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं और ऑलरेडी अगर आपने इंप्लीमेंट किया है तो कहां पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा उसी के साथ साथ एक फ्री बिजनेस गाइड मैंने बनाया आपके लिए वो कमेंट सेक्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर